ओ जना छबड़िया नहीं मुझे तो मालूम ही है कहाँ से बढ़िया होगा, ऐसे घटिया मीम मार रहे हो। बहन चल ये मीम इतना घटिया कि मैं यूज भी नहीं करता, और तुम में से एक बंदा डेली कमेंट में पेल रहा है। वाह वाह मोदी जी वाह। चल बे छोटी लुल्ली वाले जा, बंदी पड़ा गया। पट गई? नहीं पड़ी। क्यों पता है? क्योंकि तू ही छोटी लुल्ली वाला लेस्बियन है। ओ साले तेरी भी तो नहीं है। ओ आज 13 तारीख है, आज का टाइम है, आज शाम तक बंदी पड़ गई तो ठीक है, वरना वैलेंटाइन हमारी संस्कृति में नहीं आता भाई। और मोर ओवर मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, सिंगल रहने में ही भला है। बाबा नहीं मानना चाहते मुझे चल कुछ भी कुछ भी भाई साहब। कई बार ना अच्छा भी लगता है क्या बंदीबाजी नहीं करते हो। मतलब लास्ट में ना मेरे दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड को 6 फुट लंबा टेडी बेयर दिया, 6 महीने बाद उसकी माँ ने उस टेडी बेयर से रुई निकाल के 2 तकिया बना दी। भाई साहब ये सुनता हूँ ना तभी मन नहीं करता लड़कीबाजी करने का। मतलब इतना खर्चा किया उस लौंडे ने 2 तकिए के लिए। आई मीन सीरियसली ब्रो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मालूम है घटिया कर रहा हूँ मैं, पर तुम मजे नहीं लोगे आज। एक तो मैं फेमस हूँ, बट इतना फेमस भी नहीं होना था यार। अब देखा क्या हुआ कल, परसों बीबी ने शर्ट आउट दिया, कल कैरी ने रोस्ट कर दिया। सही बोल रहा हूँ यार, क्लिकबेट नहीं है, ट्रू स्टोरी। उसकी देखी लेटेस्ट वीडियो में क्या बोला उसने। वैसे यार ये तो काफी हैंडसम। ओ नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है, ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा 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 गंजा। मेरा कैरी मेरे बारे में? ना कैरी ना, भाई मानता था और तूने बताया क्या, यानी गंजा बनाया क्या? बहुत आठ नहीं। ओ मारो भाई मारो, एक जोक काम नहीं कर रहा मेरा। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। बट नहीं तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, दर्द तो मुझे हुआ है ना। सही कह रहे यार, पता यूट्यूब पे क्या हो रहा है? नहीं पता, रुको सच्ची बता दो ना, कल बताया था ना मैंने, उसी कहानी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। तो कल मैंने बताया था सूर्या के वीडियो पे स्ट्राइक आ गई थी, डैंक चौधरी ने डलवा दी थी क्योंकि वो डैंक है और हम नहीं है। तुम पहले मेरे को बताओ, तुम में से कितने लोगों को डैंक का मतलब पता है? डैंक और वोक का मतलब पता है भेंचल? पहले मुझे डैंक का मतलब नहीं पता था, आज मैंने पापा ओकस की वीडियो देखी तो उसने वोक भी डाल दिया। अबे कब आ रहे नए नए वर्ड, कब डिस्कवर हो रहे हैं? कम से कम कुछ चिल्ला तो दिया करो, यूरेका यूरेका, मेरे को पता ही नहीं रहता। बहन चल मैं अभी तक स्वैग बैठ गया हूँ, ये डैंक वोक पे चले गए। कहाँ मिलता है माल, कोई तो दो। लौड़ा नहीं बे, गांजा बोला मैंने, हरामी हो तुम। बट फन फैक्ट, सूर्या के साथ साथ बहुत सारे लोगों की वीडियो स्ट्राइक डाउन हुई थी, जिनमें से ये दो तो थे ही, सूर्या और पापा ओकस। साथ ही साथ शिवम त्रिवेदी की भी वीडियो डाउन हुई थी, और मेरे को याद है कुछ समय पहले उसने वीडियो भी डाली थी कि गाली मत दे। मतलब राखी सावंत जग गया था शिवम का, गाली मत देना बाप पे मत जा। ए मजे ले रहा हूँ शिवम, तुझे पता है आई लव यू मैन। मुझे नहीं पता तुमने इन दोनों की वीडियो देखी कि नहीं देखी, सूर्या या पापा ओकस की, बट मैं अभी पापा ओकस की देख के बैठा हूँ ना, तो लेटेस्ट मेमोरी मेरी उसी की है। मेरे को एक चीज एक्चुअली जेन्युइनली बहुत फनी लगा ओकस की वीडियो में, मुझे लगता नहीं उसको आइडिया भी है कि उसने ये किया है। तो एक फुटेज दिखाई उसने डैंक चौधरी की, जहाँ पे वो क्लेम करता है कि ओकस गे है। गे है, कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं है, बस है। क्यों? एक्सेंट है और उसका मतलब थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है इसलिए। मतलब मेरे को लगता था गे होना चॉइस है, तुम्हें पता होता है। चौधरी साहब सर्टिफाई करते हैं, ए तू गे, तू लौड़े लेस्बियन, ये मेरा काम है, तू ट्रांसजेंडर। सबसे वियर्ड चीज मुझे डैंक चौधरी की भी ये लगी कि तूने उस वीडियो में दिखाया था कि ओकस ने तेरे को मैसेज मारा। भैया जी मैंने किसे गंवार बोल दिया? ये पापा ओकस ने मैसेज किया था मुझे मेरे इनबॉक्स में। मतलब पापा ओकस लड़कों को मैसेज करता है, दैट मींस पापा ओकस इज गे, पापा ओकस इज गे। और उसके बाद तू ओकस से बात भी कर रहा है पब्लिकली उसको गे बोलने की बात। आई मीन इसके लिए इट डिडंट शॉक मी जब तुम खुला खुला एडमिट कर लिया कि तू कॉपीराइट सिस्टम को अब्यूज करेगा। तुम भी नवाबी शौक रखते हो चौधरी साहब, क्या बात है। फेवरेट पोजीशन क्या है? मैं बता रहा हूँ बड़ी गाली देने वाला चौधरी मुझे आज। फोन ऑफ रहेगा मेरा। मतलब कंपनी स्ट्राइक दे रही है, अब क्रिएटर क्रिएटर को स्ट्राइक दे रहा है। मैं सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, अगर कोई मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है जिसकी वजह से मुझे अननेसेसरी हेट आ रही है, सिंपली जाके उस बंदे से बात कर ले पर्सनली कि भाई क्या है सीन, ये है कि ये तूने दिखाया ये गलत चीज़ है, ये सही नहीं है, असलियत ये है, प्लीज़ इतना पार्ट हटा दे ताकि लोग मिसगाइड ना हो। बट ये चीज़ होती है बाद में, पहले स्ट्राइक आ जाती है और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब मैं समझाऊंगा ये समझेगा, क्यों मैंने पहले गांड मार ली। अबे गांड मारने के बाद दर्द होता है, गुस्सा आता है, अगर फोर्सफुली मारी जाए, परमिशन लेके मारो तो अलग बात है,
फिर वो तो तुम्हारी प्रेफरेंस होगी ना, कौन बोला? बट ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और मैं समझता हूँ क्यों नहीं है, उसमें भी हमारा ही फॉल्ट है, क्योंकि कुछ हरामी लोगों ने ये ट्रेंड निकाल रखा है, बहुत गलत ट्रेंड है, और ये ब्लोजो बाबा किड ने शुरू कर रखा है। बिना परमिशन के तुम मैसेजेस लीक कर देते हो, कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर देते हो। अब बंदा बंदे पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो क्या यहीं आना था हमें कि ईगो पे ले जाके कर दो सारी चीजें, फिर देख लो हंगामा क्या है? किसी का कुछ नहीं जाता, उन दोनों जो दो बंदे होते ना पंगे में, किसी का कुछ नहीं जाता, चूतिया करता है तुम्हारा। वो आंटी ने, याद है तुम्हें, आंटी ने सही कहा था यार, बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। छोड़ो फुद्दुलों में बार बार बात नहीं करनी, हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में। कितने हरामी हो यार तुम, है पापी लोग। साला कल मैं 5:30 बजे घर आया हूँ मुंबई से, 48 घंटे में कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, आता हूँ हिम्मत टूट चुकी है मेरी, अभी तक मेरा बैक पेन हो रहा है ट्रैवलिंग की वजह से, सोया नहीं ढंग से, फिर भी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। एक कमेंट आता है, भाई गांजा फूकना काम कर दे, आंखें देख कितनी लाल हो रखी हैं। और फिर मैंने देखी दोबारा वीडियो, तो मैं दिख भी नहीं रहा वीडियो में, मेरी आंखें लाल हैं, तो वो अलग सेंस में। साले कुत्तों की जिंदगी। अच्छा वो सुना तुमने, वो सुना तुमने, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मैं बता रहा हूँ, जो भी इस लाइन से प्यार कर रहा है और शेयर कर रहा है, तुम्हारी गांड में पकौड़ा पकौड़ा। अबे एक तो वैलेंटाइन वीक और ऊपर से पकौड़ी बुला भी रही हो, और तू कह रहा नहीं जाऊं, तेरी तेरी नहीं लेनी मेरे को, उसकी चाहिए थी। बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई साहब अगर मेरा दोस्त ऐसी बात बोले ना, उस टाइम दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए। और सीरियसली मैं इकलौता नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये सुना था ना, बुलाती है जाने का नहीं, मेरे दिल से आवाज आई थी, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। मतलब कुछ लोग तो शायरी पे आ गए, बुलाती है पर जाने का नहीं, बजरंग दल से बचना है तो वैलेंटाइन मनाने का नहीं। वैलेंटाइन फिर भी बना सकते हो अपने घर में, ले आओ या होटल रूम, होटल में चांसेस हैं, मेरा रूम खाली है, कॉन्टैक्ट मी। टॉप कमेंट आज का, नो वन ले यानी कॉन्टैक्ट मी, मेरे पास रूम है। पाप लगे मुझे, साले अच्छा भाई हूँ तुम्हारा, हेल्प करना चाहता हूँ मैं तुम्हारी। भाई साहब जिनके सपने खुद पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों की मदद करते हैं, वही समझाया पूरी वीडियो में, हरामी हो तुम। और भाई साहब फिर क्या, लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, 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 बुलाती है मगर जाने का नहीं बिल्कुल भी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई साहब कितने लोग गाली देने वाले इस चीज के लिए, मेरे को पाप लगे। कोई नहीं, झेल लेंगे, उम्मीद है मेरे पास दुनिया में बहुत अच्छा लोग हैं और बहुत अच्छे काम होने बाकी है। चेकआउट मैं हूँ yani.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इसी नोट पे यानी डुबोनो का ये एपिसोड इनकम करें, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, क्योंकि मैं जरूर से ज्यादा रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हाँ सेंस ही नहीं बन रहा ना, वो मैं पूरा फ्लो टूट गया ना कॉल पे। हाँ एक्चुअली कॉल आई थी सूर्या की, तो मैं उससे बात करने चला गया, गलती मेरी भी है एक्चुअली, मैंने भी बोला था शाम में कॉल करना। पाप लगे मुझे, सूर्या मेरी फुटेज यूज कर, ड्रामा शुरू करूंगा मैं, पाप लगे तुझे। चलो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं थोड़ी देर में अपने सेकंड चैनल पे, तब तक के लिए पीस आउट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बंदा गलत नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हर कोई गलत हो सकता, मैं गलत हो सकता, तुम गलत हो सकते हो, और गलत होना कोई गलत बात नहीं है, गलत होना बहुत सही बात है, वही दिखाती है हमसे हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं। और यहाँ पे ना मेरे गुरु की बात याद आती है मुझे, जहाँ सही हो तो सही हो, जहाँ पता चल जाए गलत हो हाथ जोड़ के माफी मांग लो, खत्म बात। क्यों खींचना ड्रामे को, जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट दैट ना तू कुछ भी कह ले मैं सुनूंगा ही नहीं, तू काबिल ही नहीं मेरे बे, तेरी औकात क्या है बे, तेरी औकात क्या साले, लोगों ने बनाया, आज तू है कल वो होगा, कल मैं आऊंगा क्या हो गया, कोई परमानेंट नहीं ऐसा यहाँ पे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं जिंदगी के स्पीचेस दे रहा हूँ तुम्हें, कोई परमानेंट नहीं है, लिव योर लाइफ फुली माचुदाय साहब, मैं बता रहा हूँ। अभी तो रफ्तार ने भी डाल दिया था ना, अभी हाँ रफ क्या क्लिकबेट बनेगा रफ, मैंने सुना कहीं पे कि मोनू बढ़ाना ही बता रहा था शायद, कि रफ्तार ने भी पोस्ट किया कि री अपलोड से परेशान है, तो उसने टाइम दिया अगर नहीं हटाओगे उसका री अपलोड तो वो स्ट्राइक मारेगा। मैं अपने चैनल पे अपलोड मारेगा, ये स्ट्राइक से क्यों हो रहा है, ये स्ट्राइक क्यों है। रोज करूं पूजा मेहनत करूं मैं रोज, रोज जाऊं ऑफिस गाली सुनूं मैं रोज, दोस्त
देता हूँ किस्मत को अपनी हर रोज, कौन सा था बुरा पल पैदा। आज का क्या, किसी को पसंद आना ना बहुत आसान होता है, बट उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल। ट्रू स्टोरी।